हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। प्लांट वाटर रिलेशन पादप जल संबंध चैप्टर के अंदर पिछले लेक्चर में हमने परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर के कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं का अध्ययन किया था, उनके बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल या परासरण विभव के बारे में स्टडी करेंगे कि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है या परासरण विभव है क्या होता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या विशेषताएं इसकी पाई जाती है। अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल में सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल है क्या। किसी भी सॉल्वेंट की जो मुक्त ऊर्जा है, सॉल्वेंट बोला जाता है विलायक को, तो किसी भी विलायक की मुक्त ऊर्जा में विलेय के द्वारा जो परिवर्तन किया जाता है उसे ही किस नाम से जाना जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या परासरण विभव। परासरण विभव क्या है, किसी भी विलायक की मुक्त ऊर्जा में विलेय के द्वारा जो चेंज किया जाएगा, जो परिवर्तन किया जाएगा उसे ही परासरण विभव कहा जाता है। और परासरण विभव को ही विलेय विभव के नाम से या सॉल्यूट पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट, जो किसी सॉल्यूशन का परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम किसी सॉल्यूशन का या विलयन का नापते हैं तो उससे रियल प्रेशर को केवल एक उपकरण होता है, एक इक्विपमेंट होता है, ऑस्मोमीटर, उस ऑस्मोमीटर उपकरण के द्वारा किसी सॉल्यूशन का परासरण दाब हम रियल कंडीशन में मेजर कर सकते हैं, वास्तविक स्थिति में माप सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन जो है, सामान्य स्थिति जो है, उसके अंदर ये केवल जो परासरण विभव है या परासरण दाब जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये केवल एक क्या होता है, पोटेंशियल प्रेशर होता है। पोटेंशियल प्रेशर का मतलब है यह एक विभव दाब होता है। नॉर्मल कंडीशन में जो परासरण दाब है वह एक क्या होता है, पोटेंशियल प्रेशर होता है। पोटेंशियल प्रेशर का मतलब है विभव दाब होता है, और इसीलिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल शब्द इसके लिए काम में लिया जाता है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है एक तरह का, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये केवल क्या है, एक पोटेंशियल प्रेशर है। पोटेंशियल प्रेशर होने के कारण या विभव दाब होने के कारण इसे हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के नाम से इसे जाना जाता है। फॉर्मूला इसका वही सेम रहेगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर का था, लेकिन यहाँ पर सिंबल जो काम में आता है, जो चिन्ह हम काम में लेंगे वो नेगेटिव होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव था, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, नेगेटिव। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम दर्शाने के लिए साई पी या साई एस का यूज करते हैं। मैं सिंबल बताऊंगा साई पी क्या होता है और साई एस क्या होता है। फॉर्मूला इसका वही रहेगा सीआरटी, लेकिन माइनस का क्या आ जाता है, यहाँ पर सिंबल आ जाता है। तो सबसे पहले तो जो परासरण विभव है उसकी परिभाषा क्या है, किसी विलायक की मुक्त ऊर्जा में, इसकी डेफिनेशन यदि हम लिखें, किसी विलायक की मुक्त ऊर्जा में विलयन के द्वारा उत्पन्न परिवर्तन, विलयन के द्वारा उत्पन्न जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को ही परासरण विभव, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। विलायक, विलयन, ये सबको पता होना चाहिए। सॉरी, यह विलयन की जगह शब्द आएगा विलेय, क्योंकि सॉल्यूट है उसके अंदर विलयन, तो दोनों के मिक्स को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुक्त ऊर्जा में विलेय के द्वारा उत्पन्न परिवर्तन। अब तीनों क्या चीज है, विलायक, विलयन, विलेय। विलयन विलायक और विलेय के मिलने से बनता है। विलायक जो घुलता है उसे बोला जाता है विलायक, जो घुलता है उसे क्या बोला जाता है, विलेय। और दोनों के मिलने से क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो किसी विलायक की मुक्त ऊर्जा में विलेय के द्वारा जो चेंज किए जाते हैं, विलेय के द्वारा जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे ही या तो परासरण विभव के नाम से जाना जाता है या विलेय विभव, इसको ही क्या बोला जाता है, परासरण विभव। परासरण विभव इसे बोलेंगे, या इसे ही हम क्या क्या बोलते हैं, विलेय विभव।
विलेय विभव भी इसे बोला जाता है। विलेय कर रहा है चेंज उसमें, इसलिए इसको परासरण विभव या विलेय विभव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी विलयन का जो परासरण दाब है उसका, वो उसको रियल प्रेशर के रूप में केवल एक इक्विपमेंट से लैब में मापा जा सकता है, एक एपरेटस से जिसको बोला जाता है ऑस्मोमीटर। ऑस्मोमीटर के द्वारा किसी भी विलयन के परासरण दाब को माप सकते हैं। इन सामान्य कंडीशन के अंदर जो परासरण दाब है वो एक प्रकार से क्या होता है, पोटेंशियल प्रेशर होगा। पोटेंशियल प्रेशर का मतलब है विभव दाब होता है। सामान्य अवस्था में जो परासरण दाब है वह एक प्रकार का विभव दाब होता है, इसीलिए इसे क्या नाम और दिया गया है, दूसरा विलेय विभव इसको नाम दिया गया है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल परासरण विभव या विलेय विभव इसे बोला जाता है। अब इसके अंदर देखो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का, किसी विलयन का परासरण दाब वास्तविक रूप में या रियल कंडीशन में रियल प्रेशर के रूप, परासरण दाब को वास्तविक दाब के रूप में केवल ऑस्मोमीटर, ऑस्मोमीटर उपकरण द्वारा मापा जा सकता है। ऑस्मोमीटर उपकरण द्वारा मापा जा सकता है। परासरण दाब हमें किसी विलयन का मापना है तो उसे वास्तविक दाब के रूप में केवल किस उपकरण के द्वारा उसे माप सकते हैं, ऑस्मोमीटर के द्वारा माप सकते हैं। और जनरल कंडीशन के अंदर या नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जो परासरण दाब है वो एक प्रकार का क्या होता है, विभव दाब होता है। सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में परासरण दाब, परासरण दाब जो सामान्य कंडीशन है या जनरल कंडीशन है उनके अंदर पोटेंशियल प्रेशर या परासरण दाब विभव दाब होता है, विभव दाब के रूप में होता है, विभव दाब होता है, विभव दाब के रूप में होता है। इसलिए इसे अतः इसे क्या बोला जाता है, परासरण विभव, परासरण विभव या क्या बोला जाता है, विलेय विभव कहते हैं, विलेय विभव कहते हैं। सिंपल सा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा से याद रखना है कि विलयन के परासरण दाब को वास्तविक दाब के रूप में रियल प्रेशर के रूप में हम केवल एक उपकरण से माप सकते हैं, उस उपकरण का नाम क्या है, ऑस्मोमीटर। जनरल कंडीशन के अंदर क्या होगा, परासरण दाब विभव दाब के रूप में होता है, पोटेंशियल प्रेशर के रूप में होता है, इसलिए इसे हम दाब के स्थान पर कौन सा शब्द लगाते हैं, परासरण विभव शब्द का उपयोग करेंगे या विलेय विभव शब्द का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। सिंपल सा इसका मीनिंग जो है, चेंजेस जो है इसके अंदर क्या है, जनरल कंडीशन के अंदर सामान्य स्थिति में परासरण दाब विभव दाब के रूप में है, इसलिए इसे हमने परासरण दाब के स्थान पर परासरण विभव नाम दिया है या विलेय विभव इसे नाम दिया है। अब दोनों के अंदर संबंध क्या है, परासरण दाब जो है, परासरण दाब इज इक्वल टू माइनस परासरण विभव, माइनस परासरण विभव। इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ ये जो परासरण दाब है वो एक प्रकार का पॉजिटिव प्रेशर है, जबकि परासरण विभव जो है वो एक प्रकार का कैसा है, नेगेटिव प्रेशर है। दोनों लगभग इक्विवेलेंट है, मान समान होगा, जैसे 15 परासरण दाब है तो प्लस के 15 तो परासरण दाब होगा और माइनस का 15 क्या हो जाएगा, परासरण विभव हो जाएगा। सिंबल जो है इसका प्रतीक, परासरण विभव का प्रतीक क्या होता है, परासरण विभव का जो सिंबल है वो सिंबल है साइन,
ये जो दिखाया है बनाया मार्ग, इसको क्या बोला जाता है? साई बोला जाता है। और इसे दर्शाने के लिए साई पी या साई एस का उपयोग करते हैं। साई पी से इस परासरण विभव को हम दर्शा सकते हैं या साई एस से इसको दर्शा सकते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव प्रेशर होता है परासरण दाब, वो परासरण विभव जो है वो कैसा प्रेशर है? नेगेटिव प्रेशर है। और परासरण विभव विभव को दर्शाने के लिए साई पी का या साई एस का यूज लिया जाता है। अब साई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? साई पी बराबर माइनस सी आर टी। कभी जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, परासरण दाब पढ़ा था, पाई की वैल्यू जब हमने दी थी ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सूत्र था, फॉर्मूला था, वो सी आर टी था। ओपी बराबर क्या था? सी आर टी। अब ये नेगेटिव है साई पी, इसलिए इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? एक माइनस का सिंबल आ जाएगा, बाकी दोनों सेम रहते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साई पी बराबर माइनस सी आर टी इसका फॉर्मूला होगा, ये इसका सूत्र होता है। तो ये परासरण विभव या ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में है। एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल या परासरण विभव होता क्या है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, परासरण विभव, विलेय विभव क्या है? किसी विलायक की जो मुक्त ऊर्जा है उसमें विलेय के द्वारा जो परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तन, उत्पन्न परिवर्तन को ही परासरण विभव या विलेय विभव कहा जाता है। किसी विलयन के परासरण दाब को वास्तविक दाब के रूप में, किसी विलयन के परासरण दाब को वास्तविक दाब के रूप में केवल एक उपकरण के द्वारा इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। उपकरण का नाम क्या है? ऑस्मोमीटर। ऑस्मोमीटर के द्वारा इसको मापा जा सकता है। सामान्य स्थिति में परासरण दाब किस रूप में होता है? विभव दाब के रूप में होता है, इसलिए इसे हम परासरण विभव या विलेय विभव, या दाब को हटाकर विभव इसलिए लगाया है क्योंकि जनरल कंडीशन में ये विभव दाब के रूप में पाया जाता है। परासरण दाब पॉजिटिव होता है, परासरण विभव क्या होता है? नेगेटिव होगा। जैसे प्लस के 15 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है प्लस के 15, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के 15। बस ये इनके अंदर डिफरेंस पाया जाएगा। इसको दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल यूज में लेते हैं? साई पी या साई एस। ये जो सिंबल बनाया साई है, साई पी या साई एस यूज में लेंगे। और परासरण विभव का फॉर्मूला क्या होता है? साई पी बराबर माइनस सी आर टी होगा, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका फॉर्मूला होता है ओपी बराबर या पाई बराबर होता है सी आर टी। तो यहाँ पर माइनस का सिंबल काम में लेंगे क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है, तो साई पी की वैल्यू कितनी आ जाती है? माइनस सी आर टी, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण विभव के बारे में हमने ये स्टडी किया है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट हेडिंग इसके अंदर पढ़नी है, सेल एज एन ऑस्मोटिक सिस्टम, यानी जो कोशिका है वो किस प्रकार से उसके अंदर एक ऑस्मोटिक सिस्टम पाया जा रहा है, किस तरह से उसके अंदर ऑस्मोटिक सिस्टम की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर हमें अभी हेडिंग है, सेल एज एन ऑस्मोटिक सिस्टम या कोशिका किसके रूप में? एक परासरण तंत्र के रूप में। सेल या कोशिका परासरण तंत्र के रूप में, यानी सेल के अंदर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, परासरण की प्रोसेस है, किस तरह से संपन्न होती है, उसके बारे में हमें इसमें आगे स्टडी करना है। अब इसके अंदर हमें सेल की स्ट्रक्चर का बेसिकली पता होना चाहिए। जैसे प्लांट सेल है, सबसे बाहर क्या मिलेगी? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, कोशिका झिल्ली जिसे बोलते हैं। तो जो प्लांट सेल की सेल वॉल या कोशिका भित्ति है वो मुक्त रूप से पारगम्य होती है, यानी सेल वॉल मुक्त रूप से पारगम्य होगी, इसलिए ये एक ऑस्मोटिक बैरियर के रूप में काम नहीं करती है, परासरण को रोकने वाली परत के रूप में काम नहीं करेगी। तो पहला इसका पॉइंट ये ध्यान रखना है, जो कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति पाई जा रही है, वह मुक्त रूप से पारगम्य होती है, कोई भी पदार्थ उसमें से आ सकता है, कोई भी पदार्थ उसमें से जा सकता है।
इसलिए ये परासरण में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। सेकंड पॉइंट, प्लांट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली जो पाई जा रही है, और दूसरा साइटोप्लाज्म जो है, और तीसरा टोनोप्लास्ट। अब तीनों स्ट्रक्चर के बारे में हम सेल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, 11th के अंदर जो सेल चैप्टर है उसके अंदर हमने स्टडी किया है। अभी सिंपल वे में बता देता हूँ, प्लांट सेल के अंदर जैसे ये प्लांट सेल है, पौधे की कोशिका है, ये सेल वॉल पाई जा रही है, सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन। ये तो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सेकंड, इसके अंदर एक वैक्यूल मिलती है, केंद्रीय रिक्तिका मिलेगी, और यहाँ पर जो तरल भरा रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है, साइटोप्लाज्म, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, और ये जो है इसको बोला जाता है सेंट्रल वैक्यूल या केंद्रीय रिक्तिका, केंद्रीय रिक्तिका। और केंद्रीय रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन है या झिल्ली जो है, इस झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है, टोनोप्लास्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस कोशिका भित्ति है, सबसे बाहरी आवरण सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, इसके अंदर वाला आवरण सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर केंद्रीय रिक्तिका पाई जा रही है जिसकी झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाएगी, साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका भित्ति जो है ये सबसे बाहर वाली जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रक्चर मुक्त रूप से पारगम्य है, मुक्त पारगम्य है, यानी कोई भी पदार्थ इसमें से अंदर आ सकता है, कोई भी पदार्थ इसके अंदर से होकर बाहर जा सकता है, इसलिए ये परासरण के अंदर, परासरण की क्रिया के अंदर कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, फर्स्ट तो ये कोशिका झिल्ली, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा टोनोप्लास्ट, ये तीनों संरचनाएं जो है सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन के समान काम करती है, यानी ये किसके समान काम करती है, सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन। ये तीनों संरचनाएं सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करेगी, हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में ये संरचनाएं जो है टोनोप्लास्ट, ये झिल्ली, साइटोप्लाज्म, टोनोप्लास्ट, ये सब मिलकर एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का काम करते हैं। प्लांट सेल के अंदर, प्लांट का याद रखना है क्योंकि एनिमल सेल है उसमें केंद्रीय रिक्तिका नहीं पाई जाती है, और बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है ये ऑस्मोटिक बैरियर का काम करती है। तीनों संरचनाएं, फर्स्ट ये, सेकंड साइटोप्लाज्म, थर्ड टोनोप्लास्ट, ये परासरण के बैरियर का काम करती है, परासरण की क्रिया में क्या उत्पन्न करती है, ये बाधा उत्पन्न करेगी। ये बैरियर का मतलब होता है बाधा, सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन है, कुछ विशेष पदार्थों को अंदर आने देती है, अपने अंदर आने देती है, अपने में से बाहर जाने देती है, इसलिए ये जो तीनों मेम्ब्रेन है जैविक तंत्र के अंदर परासरण के बैरियर का या ऑस्मोटिक जो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को रोकने का कार्य करती है। इसके अलावा जो ये जो रिक्तिका पाई जा रही है इसके अंदर जो तरल पदार्थ मिलेगा, रिक्तिका के अंदर भी तरल पदार्थ मिलता है, इस तरह का लिक्विड मिलेगा जिसे हम कोशिका रस कहते हैं या रिक्तिका रस कहते हैं। तो रिक्तिका के अंदर जो रस पाया जा रहा है उसे रिक्तिका रस वैक्यूलर शेप के नाम से जाना जाता है, और ये जो है वैक्यूलर शेप या रिक्तिका रस, ये कोशिका में ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब में योगदान देता है, यानी इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है प्लांट सेल के अंदर, परासरण दाब के अंदर, परासरण दाब में रिक्तिका रस, रिक्तिका के अंदर जो लिक्विड पाया जाएगा उसका इम्पोर्टेंट रोल पाया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है प्लांट सेल के अंदर वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रिक्तिका के अंदर जो लिक्विड पाया जा रहा है उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये सेल जो है एक ऑस्मोटिक सिस्टम के रूप में किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में हमने ये स्टडी किया है।
अब इसी को हम थोड़ा ब्रीफली पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है सेल के अंदर। अब कोशिका परासरण तंत्र के रूप में क्या काम करती है, सबसे फर्स्ट तो जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति है, प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति है वो मुक्त रूप से पारगम्य होती है, इसलिए वह ऑस्मोटिक बैरियर का काम नहीं करती है। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसे बोलते हैं हम, कोशिका भित्ति मुक्त रूप से पारगम्य होती है। अतः यह परासरण बाधक का कार्य नहीं करती है, का कार्य नहीं करती है। मैंने ये बताया था ना, सबसे बाहर वाला आवरण है, मुक्त रूप से पारगम में कोई भी पदार्थ आ सकता है, कोई भी जा सकता है, इसलिए परासरण बाधक का काम कोशिका भित्ति के द्वारा नहीं किया जाता है। यह कोशिका भित्ति जो है परासरण में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। अब प्लांट सेल के अंदर पादप कोशिका में, नेक्स्ट इसका पॉइंट है, पादप कोशिका में एक तो पहला तो क्या है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जो पाई जा रही है वो, सेकंड कोशिका झिल्ली के अंदर जो लिक्विड मिल रहा है उसको क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म भी हम इसको बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला जो लिक्विड है कोशिका द्रव्य, और तीसरा टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट अभी मैंने बताया था, टोनोप्लास्ट डायग्राम के अंदर बताया था, टोनोप्लास्ट क्या होती है, केंद्रीय रिक्तिका की जो झिल्ली होती है उसे क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट। ये सभी एक साथ मिलकर, ये सभी एक साथ मिलकर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सभी एक साथ मिलकर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं। यानी तीनों संरचनाएं जो है वो किस प्रकार की मेम्ब्रेन का काम करती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का काम करेगी। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और टोनोप्लास्ट तीनों आपस में मिलकर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का काम करते हैं। और बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर या बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, जैविक तंत्र जो है, कोशिका एक प्रकार से बायोलॉजिकल सिस्टम में ही आ रही है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में या जैविक तंत्र में, जैविक तंत्र में, जैविक तंत्र का मतलब याद रखना हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जा रही है, इसलिए इसको जैविक तंत्र या बायोलॉजिकल सिस्टम ने बोला। जैविक तंत्र में ये जो मेम्ब्रेन है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जो है, एक ऑस्मोटिक बैरियर या परासरण बाधक का कार्य करती है। जैविक तंत्र में यह झिल्ली परासरण बाधक का कार्य करती है, परासरण बाधक का कार्य करती है। सिंपल सा ध्यान ही रखना है, सेल वॉल कोई परासरण बाधक नहीं है, लेकिन सेल वॉल के अंदर जाएंगे कोशिका झिल्ली परासरण में बाधा उत्पन्न करेगी, कोशिका द्रव्य करेगा और टोनोप्लास्ट परासरण के अंदर बाधा उत्पन्न करता है। तो जैविक तंत्र में जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, तीनों के मिलने से जो बन रही है वो परासरण बाधक के रूप में कार्य करेगी। और फोर्थ इसका पॉइंट है, जो वैक्यूल या रिक्तिका के अंदर जो रस पाया जा रहा है, रिक्तिका में उपस्थित तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है, रिक्तिका रस। तो रिक्तिका रस जो है कोशिका के परासरण दाब में योगदान देता है, परासरण दाब में योगदान देता है।
रिक्तिका के अंदर जो लिक्विड मिलेगा रिक्तिका रस, वो कोशिका के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर में या परासरण दाब के अंदर अपना योगदान देगा। तो ये कोशिका के बारे में है कि कोशिका किस प्रकार से एक परासरण तंत्र के रूप में फंक्शन करती है, एक परासरण तंत्र के रूप में उसके द्वारा किस प्रकार से कार्यों को संपन्न किया जाता है। अब एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति, ये प्लांट सेल है, सबसे बाहरी आवरण है कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति है पौधे की कोशिका के बाहर सबसे पहला पाया जाने वाला आवरण। तो ये कोशिका भित्ति मुक्त रूप से पारगम में, कोई भी पदार्थ इसमें अंदर आ सकता है, कोई भी पदार्थ इसमें से बाहर जा सकता है, इसलिए ये परासरण बाधक का काम नहीं करेगी, ये परासरण की क्रिया के अंदर बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली, इसके अंदर जो आवरण मिल रहा है कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य हो गया। और टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट ये जो केंद्रीय रिक्तिका है इसका आवरण है, ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका द्रव्य, और ये है टोनोप्लास्ट। केंद्रीय रिक्तिका है, केंद्रीय रिक्तिका के आवरण को क्या बोलते हैं हम, टोनोप्लास्ट। तो ये तीनों संरचनाएं कौन कौन सी स्ट्रक्चर, फर्स्ट तो ये कोशिका झिल्ली, दूसरा ये कोशिका द्रव्य, तीसरा ये टोनोप्लास्ट केंद्रीय रिक्तिका का जो आवरण है, ये तीनों संरचनाएं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के समान काम करेंगे, यानी ये पदार्थों को सेलेक्ट करते हैं, चयनित करते हैं कि किस पदार्थ को अंदर आने देना है, किस पदार्थ को अंदर नहीं आने देना है। तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जो है, जैविक तंत्र की यदि हम बात करें कोशिका से रिलेटेड, जैसे कोशिका मिलकर ऊतक अंग तंत्र शरीर बना रही है, तो जैविक तंत्र में ये जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है यह परासरण बाधक का कार्य करती है। यानी इन तीनों के मिलने से जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बन रही है यह परासरण क्रिया के अंदर बाधा उत्पन्न करती है। और रिक्तिका के अंदर जो रस प्रेजेंट होगा, ये रिक्तिका के अंदर पाया जाने वाला रस है रिक्तिका रस, ये रिक्तिका में पाया जाने वाला क्या है रस, एक्चुअल में होता है क्या है, वाटर या पानी। रिक्तिका रस का मतलब है इसके अंदर रिक्तिका में जो पानी भरा रहता है वो पानी रिक्तिका रस कहलाता है। ये रिक्तिका रस कोशिका के परासरण दाब में योगदान देता है, इस रिक्तिका रस के द्वारा सेल के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर को या परासरण दाब को बनाए रखने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ हमने इस लेक्चर के अंदर एक तो परासरण विभव के बारे में पढ़ा है, सेकंड कोशिका परासरण तंत्र के रूप में किस प्रकार कार्य करती है उसके बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस बुक के अंदर किस टर्म में किस रूप में दी गई है, परासरण क्रिया को एनसीईआरटी की बुक में किस प्रकार से समझाया गया है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके स्टडी करने के बाद जो है हमारी ऑस्मोसिस की प्रोसेस या ऑस्मोसिस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।